राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार में योगियों पर अत्याचार, धमकी देते हैं नहीं सुनते हैं थानेदार। पहले सर फड़वाओ फिर थाने जाओ, बाद में थाने में बैठे वर्दी धारियों के गाली गलौज व धमकियां सुखाओ। न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित महात्मा जनक सिंह। मामला है थाना जनपद क्षेत्र के गाँव गढ़ीपरती बनारसी का, जहाँ एक महात्मा जनक सिंह का कसूर इतना था कि उनके घर के सामने लगे सरकारी नल पर महिलाओं में पानी भरने को लेकर दिनांक 13/7/21 को कहा सुनी हो रही थी। वहां बैठे महात्मा जनक सिंह ने दोनों पक्ष की महिलाओं को लड़ने से रोका था, जिसमें महात्मा का बाल्टी मारकर सर फोड़ दिया गया और धमकी दे डाली। इस दौरान खून से लथपथ होकर महात्मा किसी तरह थाने पहुंचे और पुलिस को आप बीती सुनाई, तो चंदपा पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए खून से लथपथ महात्मा को डॉक्टरी के लिए भेजने के स्थान पर थाने में ही पानी से खून के कपड़े व शरीर को धुलवा दिया और महात्मा को गुमराह करते हुए एक दिन तक कोई प्राथमिकता दर्ज नहीं की गई। घटना के अगले दिन जब महात्मा अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचे, तब जाकर पुलिस ने महात्मा को डॉक्टरी के लिए भेजा और प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या घटना के दिन महात्मा को खून से लथपथ होने पर उसे पानी से साफ कराकर चंदपा पुलिस उसे दबाने के प्रयास में थी। अब महात्मा का कहना है कि चंदपा पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मैं कई न्याय के लिए कई दिन से थाने के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन चंदपा पुलिस फैसला करने की कहती है तथा धमकी देकर थाने से भगा देती है। क्या योगी सरकार में इसी तरह होते रहेंगे योगियों पर अत्याचार व शोषण? आइए देखिए संवाददाता अनिल चौधरी जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। मेरा नाम जनक सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ चंदपा थाने क्यों आयो? और कोई सुनवाई ना कर रही। किसने भारी थी जान? किस बात को लेकर? कुछ बात नहीं, वो पानी पानी भर रहे पंचायत कर रही है। तो यहाँ चंदपा पुलिस ने क्या कहा? आपकी डॉक्टरी वगैरह एफ आई आर हो गई? कुछ नहीं, मौज हुब्बा में खून नहारो दरोगा जी ने और यो कई बाबा जागवा में। तो आपका खून जो हुआ था वो धुलवा दिया दरोगा जी ने? हाँ धुलवा दो। तो आप आगे क्या करोगे? अब क्या करें, आगे कहूँ ऊपर जाएंगे। तो कप्तान साहब या आगे और कोई उच्च अधिकारियों से मिलोगे आप इस संबंध में? हाँ। चंदपा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, कोई नहीं। तो कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है अभी? नहीं, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है या अभी नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी लोग गांव में ही घूम रहे हैं? हाँ। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।